सिख विरोधी दंगों पर प्रस्ताव में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम शामिल करने को लेकर आम आदमी पार्टी में एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। प्रस्ताव में राजीव गांधी को दिए गए भारत रत्न को वापस लेने की मांग भी की गई है। एक और आम आदमी पार्टी इस बात से पल्ला झाड़ रही है और कह रही है कि राजीव गांधी से संबंधित ऐसा प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ, तो दूसरी ओर पूरे मामले को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने वाली विधायिका अलका लांबा को सजा भी दे रही है। दरअसल असेंबली में 84 के सिख दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग वाला एक प्रस्ताव आया। सूत्रों के मुताबिक उसमें आप नेता सोमनाथ भारती ने अपनी तरफ से हाथ से लिख दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिया गया भारत रत्न वापस लिया जाए। इस प्रस्ताव को आम आदमी पार्टी के नेता जरनैल सिंह ने असेंबली में पढ़ा और फिर इसके पास होने की घोषणा हो गई। जरनैल सिंह ने विधानसभा से बाहर आकर भी इस बात की तस्दीक की। आम आदमी पार्टी के बीच बवाल यहीं से शुरू हो गया। सबसे पहले केजरीवाल की पार्टी ने प्रस्ताव से पल्ला झाड़ा और दावा किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ है। पार्टी ये साबित करने की कोशिश करती रही कि असली प्रस्ताव में राजीव गांधी का नाम शामिल ही नहीं था, लेकिन चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी की पोल खोल कर रख दी। अलका लांबा ने प्रस्ताव की कॉपी ट्वीट कर दी। अलका ने जो कॉपी ट्वीट की उसमें साफ साफ राजीव गांधी का नाम लिखा हुआ है और उनसे भारत रत्न वापस लेने की बात भी कही गई है। सिर्फ यही नहीं, अलका लांबा ने एक और खुलासा किया। अलका ने कहा कि उनके प्रस्ताव के पक्ष में भाषण देने का दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। बवाल बढ़ा तो पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक सोमनाथ भारती का भी पक्ष सामने आया। कहा जा रहा है कि सोमनाथ भारती ने ही जरनैल सिंह के प्रस्ताव में राजीव गांधी वाली लाइन जोड़ी थी। सोमनाथ भारती ने कहा, मैं ये साफ करता हूँ कि मैंने प्रस्ताव में जो संशोधन किया था उस पर चर्चा ही नहीं हुई, ऐसे में उसके पास होने का सवाल ही नहीं उठता। राजीव गांधी से संबंधित प्रस्ताव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से घिर गई है। एक वोट सिख वोट है तो दूसरी ओर कांग्रेस के साथ 2019 में गठबंधन। वो ना तो जरनैल सिंह के प्रस्ताव का विरोध कर पा रही है और न ही खुलकर समर्थन। ऐसे में पूरा विवाद का ठीकरा अलका लांबा पर फोड़ा जा रहा है। वहीं आम आदमी के बागी विधायक कपिल मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे मामले में अलका लांबा को बलि का बकरा बना रही है, क्योंकि प्रस्ताव पास कराने में अलका लांबा का कोई रोल ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के तिकड़म को लेकर आपकी क्या है राय, हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर अब तक आपने नौ प्रवाह लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नौ प्रवाह लाइव।